जब भी किसी पर टिप्पणी करें तो पहले हमें अपनी हैसियत और अपनी औकात समझनी चाहिए कि हम उस व्यक्ति के खिलाफ बोलने की योग्यता रखते हैं या नहीं। प्रवक्ता होने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम जिनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं उनका लेवल ना देखें। कि माननीय रामचंद्र बाबू ने बिहार आने के लिए आग्रह नहीं किया था, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूपी कैडर के पदाधिकारी को बिहार लाने के लिए आवेदन देकर उनको यहाँ लाने का काम किया था, तो बिना योग्यता के। 2005 में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो वही आरसीपी सिंह जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और उनके जो किए हुए कारनामे रहे, उन्होंने जो काम किया, आज भी, आज 2022 में भी वही 5 साल का ढोल हम लोग बजा रहे हैं। बाकी के 15 वर्षों में क्या काम हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू के 5 वर्षों में जो काम हुआ वो आज भी गिनती गिनाए जा रहे हैं। नमस्कार, सभी साथी अच्छे हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है। आज आप लोगों के बीच आया हूँ एक विशेष वीडियो। कल रात से ही हमारे मित्र हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भाई अरविंद निषाद जी, उन्होंने जारी किया है। काफ़ी अरसे से हमारी मित्रता है, हम लोग काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, और आज से मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो देखा, आज सुबह भी अखबारों के माध्यम से जाना, तो मेरे तो पहले तो बड़ा दुख हुआ और फिर आश्चर्य कि एक, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अरविंद निषाद जी एक संघर्षशील युवा नेता हैं, बेहतरीन कार्यकर्ता हैं, और किसी के दबाव में आकर, चूंकि जो कॉन्फिडेंस आमतौर पर अरविंद जी के चेहरे पर होती है वो नहीं थी, तो जो दबाव में आकर उन्होंने जो बयान दिया है वो गलत है, हास्यास्पद। अति उत्साह में कहें, दबाव में कहें, या जिस भी कारण से कहें, आपने जो बयान दिया है उससे हमें काफी तकलीफ और आश्चर्य भी है। आपने बात की रामचंद्र प्रसाद सिंह जी की, आपने कहा जनता दल यूनाइटेड में जो कुछ भी उन्होंने पाया माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से पाया। मैं एक मित्र के नाते आपसे कहना चाहता हूं कि हम जब भी किसी पर टिप्पणी करें तो पहले हमें अपनी हैसियत और अपनी औकात समझनी चाहिए कि हम उस व्यक्ति के खिलाफ बोलने की योग्यता रखते हैं या नहीं। प्रवक्ता होने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम जिनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं उनका लेवल ना देखें। प्रवक्ता महोदय ने कहा कि आदरणीय आरसीपी सिंह जी कृपा पात्र रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रवक्ता महोदय कि अगर आरसीपी सिंह जी में योग्यता नहीं थी तो उनको राज्यसभा क्यों भेजा गया, अगर उनमें योग्यता नहीं थी तो पार्टी का कमान क्यों दिया गया, अगर उनमें योग्यता नहीं थी तो संगठन को सजाने की जिम्मेवारी क्यों दी गई, और योग्यता नहीं थी तो यूपी कैडर के अधिकारी रहे श्री आरसीपी सिंह जी को बिहार क्यों लाया गया। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज बता दूं कि माननीय रामचंद्र बाबू ने बिहार आने के लिए आग्रह नहीं किया था, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूपी कैडर के पदाधिकारी को बिहार लाने के लिए आवेदन देकर उनको यहाँ लाने का काम किया था, तो बिना योग्यता के। और आप जिस आरसीपी सिंह जी को अयोग्य बता दे रहे हैं, कृपा पात्र बता दे रहे हैं, 2005 में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो वही आरसीपी सिंह जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और उनके जो किए हुए कारनामे रहे, उन्होंने जो काम किया, आज भी, आज 2022 में भी वही 5 साल का ढोल हम लोग बजा रहे हैं।
बाकी के 15 वर्षों में क्या काम हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू के 5 वर्षों में जो काम हुआ वो आज भी गिनती गिनाए जा रहे हैं। तो अयोग्य आरसीपी सिंह जी को आप कहना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब जनता दल यूनाइटेड में किसी की योग्यता के आधार पर उसको राज्यसभा या संगठन की जिम्मेवारी नहीं दी जाती है। योग्यता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री रहते हुए निजी सचिव नहीं बनाया था, कृपा के आधार पर बनाया था। तो आप मुझे जवाब दें कि आज की तारीख में स्वयं आप और राज्य और राष्ट्रीय स्तर के जो शीर्ष के नेता सिरमौर बने बैठे हैं, क्या वो भी कृपा के पात्र हैं? क्या उनकी भी योग्यता नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी की कृपा पात्र है इसलिए वो राष्ट्रीय और प्रदेश के अध्यक्षों की सूची में शामिल हैं? मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, आपको यह राय देना चाहता हूं कि हमें हमेशा अपनी हैसियत और अपने संस्कार का ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है आप किसी दबाव में आकर इस तरह के बयानों को दे रहे हैं, इससे आपको बचना चाहिए। पूरे संगठन को वार्ड स्तर तक पहुंचाने वाले आरसीपी सिंह जी अगर अयोग्य हैं तो योग्यता की क्या परिभाषा होती है मुझे नहीं पता है। अगर बिहार को एक अच्छे जंगल राज से बाहर निकालकर अच्छे प्रदेश में शुमार कराने वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में योगदान देने वाले आरसीपी सिंह अगर अयोग्य हैं, कृपा पात्र हैं, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं आप कहना क्या चाहते हैं। तो एक मित्र की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से आपको पुनः राय देता हूं कि ऐसे बयानों से बचें और आदरणीय आरसीपी सिंह जैसे व्यक्तित्व के पक्ष में न होना भले आपके वश में न हो, लेकिन उनका विरोध नहीं करना आपके वश में है। बहुत बहुत धन्यवाद।